तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का फैक्टफुल चैनल पर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रिकेट में यूज होने वाले बहुत सारे टर्म्स के बारे में कि क्या होता है, इनका मतलब क्या है। जैसे कि मिड ऑफ, मिड ऑन, गुगली, चाइनामैन, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, बाय, लेग बाय, इन सभी का मतलब क्या होता है, इन सभी के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अब क्रिकेट के बारे में बात कर ही रहे हैं तो क्रिकेट के बारे में कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज ले लेते हैं, बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज में क्या लेंगे, जैसे कि क्रिकेट में एक बैट होता है, एक बॉल होती है। ये बहुत बेसिक नॉलेज है क्रिकेट के बारे में। खैर, इससे ऊपर उठते हैं थोड़ी सी। फ्रेंड्स, पहले क्रिकेट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो पिच के बारे में जान लेते हैं। क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट की पिच के बारे में, तो फ्रेंड्स क्रिकेट की पिच कुछ इस प्रकार की होती है। इधर तीन स्टंप्स और इधर तीन स्टंप्स। तो फ्रेंड्स, ये क्रिकेट की पूरी पिच की लेंथ जो होती है, ये होती है 20.11 मीटर्स, जिसे हम लोग 22 यार्ड से 22 कदम भी बोलते हैं। और फ्रेंड, दोनों साइड क्रिकेट में क्रीज होती है, पिच पर क्रीज होती है, जिसकी लेंथ मिडिल स्टंप से इतनी, ये जो लेंथ होती है फ्रेंड्स, ये होती है 1.22 मीटर्स। और फ्रेंड्स, ये स्टंप्स जो होते हैं, स्टंप्स की जो लंबाई होती है, लेंथ ऑफ स्टंप्स, वो होती है 71.1 सेंटीमीटर। मतलब कि एक स्टंप्स इतना लंबा होता है, 71.1 सेंटीमीटर जितना। बैट जो होता है, जिसे हम लोग खेलते हैं बैट क्रिकेट, तो उसकी लेंथ होती है 95.6 सेंटीमीटर। और जो बैट की चौड़ाई होती है, वो होती है 10.8 सेंटीमीटर। ये तो बात होगी बैट के बारे में। और फ्रेंड, जो बॉल होती है, जो वेट होता है बॉल का वजन, वो होता है 155 से लेकर 163 ग्राम। ये जिस सीजन बॉल से हम लोग खेलते हैं, लेदर बॉल बोलते हैं इसको हम लोग, जिससे खेलते हैं, उसका वजन 155 से 163 ग्राम के बीच का होता है बॉल का। और फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई क्रिकेट की पिच के बारे में। और फ्रेंड्स, आपको मैं और बात बता देता हूं क्रिकेट के बारे में। जैसे कि क्रिकेट का जो पहला ऑफिशियल टेस्ट मैच हुआ था, वो 1877 में हुआ था, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जिसमें जीत हुई थी ऑस्ट्रेलिया की। उसके बाद जब क्रिकेट बहुत सारे देशों में खेला जाने लगा, तो 1909 में एम्पेरिकल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, जिसे आज की डेट में आईसीसी या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना हुई थी। 1909 में हुई थी एम्पेरिकल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, और 1956 में इसका नाम बदल के आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया था। और फ्रेंड्स, ओडीआई टेस्ट मैच, जिसे वनडे बोलते हैं, 50 ओवर का मैच होते हैं ये, इनकी शुरुआत हुई थी 1971 में, जो कि पहला मैच भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, पर इस मैच में जीत हुई थी इंग्लैंड की। और फ्रेंड्स, 1975 में वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी, पहला वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज के द्वारा जीता गया था। और फ्रेंड्स, इंडिया में बीसीसीआई इधर लिखते हैं, जो कि इंडिया में रेस्पॉन्सिबल होता है क्रिकेट के लिए, जिसकी फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी 1927 में इंडिया के अंदर। बीसीसीआई की स्थापना 1927 में हुई थी, जो कि इंडिया में क्रिकेट के रेस्पॉन्सिबल, क्रिकेट के रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं, उनको सुलझाता है और क्रिकेट ऑर्गेनाइज कराता है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात होगी क्रिकेट से रिलेटेड बहुत ही बेसिक नॉलेज के बारे में। पिच के बारे में हमने जाना, क्रिकेट की ग्राउंड बहुत वेरी करते हैं, ग्राउंड को कोई साइज फिक्स नहीं होता है, ग्राउंड का साइज शारजहां से लेकर अबू धाबी तक सबको होता है, खैर आपको पता होगा। और फ्रेंड्स, ये पिच के बारे में बात हुई। क्रिकेट के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज थी कि कब से क्रिकेट की शुरुआत हुई थी, पहला टेस्ट मैच कब हुआ था, पहला वनडे कब हुआ था, 1877 में पहला टेस्ट मैच एंड 1971 में पहला वनडे। और बीसीसीआई की स्थापना 1927, और यहीं पर लिख देते हैं आईसीसी, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि इंटरनेशनल रिलेटेड मैटर सॉल्व करती है क्रिकेट से, उसकी स्थापना हुई थी 1909 में। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब जानते हैं क्रिकेट से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स के बारे में, जो कि टर्मिनोलॉजी क्रिकेट में अक्सर यूज होती हैं। फ्रेंड्स, क्रिकेट में बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल होता है। अगर मैं उनको सारों के बारे में बताऊं तो शायद आज का पूरा दिन क्या अगला दिन निकल जाए, पर वो टर्म्स खत्म नहीं होंगे उनको वीडियो में बताऊं तो। आप विकीपीडिया पर सर्च करके देखना, विकीपीडिया पर आपको बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे क्रिकेट के रिलेटेड, जो कि क्रिकेट में यूज होते हैं। तो मैं कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड, पहला टर्म आता है हमारे पास प्लेड ऑन। फ्रेंड्स, प्लेड ऑन क्या होता है, जब कोई बैटमैन बॉल को खेलता है और वो बॉल उसके बैट को लग के स्टंप्स में जाके लग जाए पीछे, तो वो बैट्समैन आउट हो जाता है।
इस आउट होने को हम लोग बोलते हैं प्लेड ऑन। फ्रेंड्स हमारे पास दूसरा टर्म आता है अपील। तो फ्रेंड जब कोई बॉलर या फील्डिंग साइड का कोई प्लेयर अंपायर से किसी बैट्समैन के आउट होने या ना होने के बारे में पूछता है तो उसे अपील कहते हैं। ये पूछना बहुत ही हाई जोश में किया जाता है, मतलब कि अपील को काफी हाई जोश में किया जाता है। और फ्रेंड्स अपील के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि अकॉर्डिंग टू लॉ 31 ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट में बहुत सारे नियम कानून होते हैं, उनमें से एक लॉ 31 नाम का एक लॉ है। इसके हिसाब से कोई एम्पायर एक बैट्समैन को तब तक आउट नहीं दे सकता जब तक कि बॉलर या फील्डिंग साइड का कोई प्लेयर अंपायर से अपील ना करे। इसका मतलब अपील करना बेहद जरूरी होता है, अगर आप अपील नहीं करोगे तो एम्पायर अपने आप से कभी किसी बैट्समैन को आउट नहीं देते। फ्रेंड्स हमारे पास तीसरा टर्म आता है बाय। फ्रेंड्स बाय क्या होता है, बाय को आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए जब किसी बॉलर ने बॉल डाली और वो बॉल बैट्समैन के बैट को नहीं लगी, ना ही किसी उसके एक्सेसरीज को लगी, फॉर एग्जाम्पल ना ही उसके ग्लव को टच करी, ना ही उसके पैड को टच करी, तो वो बॉल विकेट कीपर को अगर पार करके बाउंड्री लाइन तक पहुंच जाती है, तो उस दौरान जब आपको चौके मिलते हैं या बाउंड्री लाइन से पहले कहीं रुक जाए, तो उस दौरान जब आपको सिंगल डबल मिलते हैं उन्हें हम लोग बाय के रन में काउंट करते हैं। बाय एक तरह के एक्स्ट्रा रन होते हैं, ये ना ही बैट्समैन के खाते में जाते हैं ना ही बॉलर के खाते में, ये आपके टीम टोटल टीम रन में एड हो जाते हैं। बाय एक्स्ट्रा रन होते हैं एक तरह के, और होते क्या है, जब कोई बॉल बिना बैट्समैन के बैट को लगे या बिना बैट्समैन की किसी एक्सेसरीज को लगे, विकेट कीपर को क्रॉस कर जाए या विकेट कीपर से छूट जाए, उस दौरान लिए जाने वाले रन को हम लोग बाय के रन बोलते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास चौथा टर्म आ जाता है लेग बाय। तो फ्रेंड्स लेग बाय क्या होता है, ये तीस बाय और लेग बाय इन दोनों में सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है। फ्रेंड्स बाय में हमने जाना कि जब बॉल ना ही विकेट कीपर के बैट को लगे ना ही विकेट कीपर किसी ग्लव या पैड को लगे, उस दौरान जो रन लिए जाते हैं उन्हें हम लोग बाय के रन बोलते हैं। फ्रेंड्स लेग बाय में क्या होता है, बॉल बैट्समैन के बैट को नहीं लगती बल्कि बैट्समैन की किसी एक्सेसरीज को लगती है, मतलब कि उसके पैड को लग जाए या उसके हैंड को लग जाए या उसके ग्लव पे लग जाती है, और इस दौरान अगर वो बॉल विकेट कीपर से मिस हो जाए तो जो बॉल बाउंड्री लाइन तक पहुंचती है, इस दौरान जो सिंगल डबल लिए जाते हैं उन्हें हम लोग लेग बाय के रन बोलते हैं। ये भी एक तरह के एक्स्ट्रा रन होते हैं, ये भी ना ही बैट्समैन के खाते में जाते हैं ना ही बॉलर के खाते में जाते हैं, ये भी सिर्फ टोटल टीम रन में एडेड होते हैं। इन दोनों के इशारे मैं आपको बताता हूँ कि बाय का इशारा अंपायर कैसे करता है। तो फ्रेंड्स बाय का इशारा अंपायर केवल अपना एक हाथ उठाता है ऊपर को पूरा इस तरीके से, और लेग बाय का इशारा वो अपने कुछ इस तरीके से करता है। फ्रेंड्स हमारे पास पांचवा टर्म आता है गुगली। तो फ्रेंड्स गुगली का अक्सर आप लोगों ने नाम बहुत सुना होगा, और होती क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स एक लेग स्पिनर होता है, राइट हैंडेड लेग स्पिनर। फ्रेंड्स इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ राइट हैंडेड लेग स्पिनर के द्वारा डाली जाती है गुगली बॉल, और कोई इस बॉल को नहीं डाल सकता। तो फ्रेंड्स जब कोई राइट लेग स्पिनर बेसिकली करता क्या है, लाइन लेग स्पिनर मान के चलिए कि राइट हैंडेड बैट्समैन है, ये एक बैट्समैन है राइट हैंडेड बैट्समैन, और ये इधर एक बॉलर है, ये भी राइट हैंडेड बॉलर है। फ्रेंड्स लेग स्पिनर क्या करता है कि बॉल को बैट्समैन से दूर की तरफ उठाता है, जो स्पिन होगी उसकी बॉल वो बैट्समैन से दूर की तरफ होगी, इसको हम लोग बोलते हैं लेग स्पिन। फ्रेंड्स यदि यही राइट हैंडेड लेग स्पिनर इस बॉल को अंदर की तरफ भेज दे, ऑफ स्पिन करके नहीं बल्कि इसका एक्शन तो लेग स्पिन जैसा ही हो, पर अगर वो बॉल अंदर की तरफ को जाए उसे हम लोग गुगली बोलते हैं। फिर तो उस तरह की बॉल को हम लोग गुगली बोलते हैं, मतलब वो बाहर की तरफ को स्पिन नहीं हुई बल्कि अंदर को तरफ हो गई, बैट्समैन के अंदर की बैट्समैन के पास गई, उसको हम लोग बोलते हैं गुगली। फ्रेंड्स हमारे पास सिक्स टर्म आता है चाइना मैन। फ्रेंड्स चाइना मैन क्या होता है कि जिस तरीके से हमने गुगली में जाना है कि एक राइट हैंडेड लेग स्पिनर जब बॉल को बाहर को पटाने की बजाय अंदर की तरफ को टर्न करा दे उसे हम लोग गुगली बोलते हैं। फ्रेंड्स इसी तरीके चाइना मैन में क्या होता है, जब एक लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर जो कि उल्टे हाथ से बॉलिंग करे और लेग स्पिन करे, मतलब कि मानकर चलिए कि एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और ये एक लेफ्ट हैंडेड लेग स्पिनर है, तो फ्रेंड्स ये लेफ्ट हैंडेड लेग स्पिनर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को इधर की तरफ को बॉल टर्न करेगा, सिंपल सी बात है भाई, अपने उल्टे हाथ से बॉल फेंकेगा और ये इधर को स्पिन होगी और इधर को जा कटेगी। तो फ्रेंड जब ये बॉल इधर को तरफ को कटती है तो हम इसको बोलते हैं सिंपल लेग स्पिन, जो कि उल्टे हाथ के बॉलर के द्वारा कराई गई है। लेकिन फ्रेंड जब ये बॉल इस तरफ को कटे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए अंदर की तरफ को जाए तब हम उसको बोलते हैं चाइना मैन बॉलिंग।
इसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये केवल लेफ्ट हैंडेड लेग स्पिनर के द्वारा डाली जाती है और कोई स्पॉट को नहीं डाल सकता। तो फ्रेंड्स ये दोनों टर्म बिल्कुल ज्यादा एक दूसरे से थोड़े से रिलेटेड है, मतलब कि किस तरीके से कि गुगली को केवल राइट हैंडेड लेग स्पिनर ही डाल सकता है और चाइना मैन को केवल लेफ्ट हैंडेड लेग स्पिनर डाल सकता है। इसको अगर आप समझना हो तो मान के चलिए कि एक राइट हैंडेड बैट्समैन है और एक राइट हैंडेड लेग स्पिनर है, तो राइट हैंडेड लेग स्पिनर बॉल को राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए इस तरफ को टर्न करेगा, लेग स्पिन करेगा, और अगर ये बॉल अंदर की तरफ को टर्न हो जाए तब हम इसको गुगली बोल देते हैं। लेफ्ट हैंडेड और चाइना मैन के लिए एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को लीजिए, एक लेफ्ट हैंडेड लेग स्पिनर बॉल को लीजिए, ये लेग स्पिन करेगा इसको बाहर की तरफ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए, पर अगर ये बॉल अंदर की तरफ को टर्न हो जाए तब हम इसको चाइना मैन बॉलिंग बोलते हैं। ये बेसिक डिफरेंस था गुगली और चाइना मैन में। फ्रेंड्स हमारे पास सेवन था जाता रिवर्स स्विंग। फ्रेंड स्विंग का तो आप लोगों ने सभी नाम सुना होगा, और स्विंग क्या होती है? स्विंग होती है एक बॉल का डायरेक्शन बदलना हवा में, नॉट टिप खाने के बाद, नहीं टिप खाने के बाद तो स्पिन होती है बॉल, बल्कि स्विंग होती है जो कि हवा में अपना डायरेक्शन चेंज करती है। फ्रेंड्स रिवर्स स्विंग क्या होती है? फ्रेंड जब बॉल नहीं होती है तो वो बॉल किसी भी तरफ को स्विंग कर सकती है, इनवर्ड भी और आउटवर्ड भी। ये डिपेंड करता है कि आपको बॉलर किस तरीके का है, बॉलर कौन सी स्विंग कराना चाहता है, इन स्विंगर या आउट स्विंगर। तो फ्रेंड जब बॉल नई होती है तो वो किसी तरफ को स्विंग कर सकती है, मगर जब बॉल पुरानी होती जाती है, फॉर एग्जाम्पल 35 ओवर के बाद ये देखा गया है कि बॉल को अक्सर पुरानी हो जाती है, 35 ओवर के बाद वो स्विंग करना बंद कर देती है। तो फ्रेंड्स इस चीज को जब उस दौरान अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बॉल को हम लोग साइन करते रहते हैं, एक तरफ से एक साइड उसकी साइन ही रखी जाती है, एक साइड उसकी रफ रखी जाती है, साइन करने के लिए हम लोग अक्सर अपनी सलाइवा का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये होता है कि रिवर्स स्विंग का, कि जब बॉल पुरानी होती जाए और जो पुरानी बॉल्स हम लोग स्विंग कराते हैं, पुरानी बॉल्स हम लोग स्विंग कराते हैं टूवर्ड्स द शाइनी सरफेस, पुरानी बॉल से अगर हम लोग स्विंग कराएं टूवर्ड्स द शाइनी सरफेस, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए मेरे हाथ में एक बॉल है, इस तरफ उसकी रफ साइड है, इस तरफ इसकी शाइनी साइड है, और 35 ओवर के बाद ये बॉल पुरानी हो चुकी है। तो फ्रेंड जब हम लोग पुरानी बॉल से स्विंग कराएंगे और वो बॉल स्विंग हो शाइनी सरफेस की तरफ, तब हम इसको रिवर्स स्विंग बोलते हैं। ये इन स्विंगर के लिए, अगर आप मान के चलिए कि कोई इन स्विंगर बॉलर है और वो पुरानी बॉल से स्विंग कराना चाह रहा है तो वो बॉल फ्रेंड्स उसके लिए तो आउट स्विंग होगी, और कोई आउट स्विंगर बॉलर है तो वो उसके लिए इन स्विंग बन जाएगी, इसको हम लोग रिवर्स स्विंग बोल देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास आठवां टर्म आता है डक, बत्तख नहीं है, डक का मतलब क्रिकेट में कुछ और है। फ्रेंड्स डक का मतलब क्या होता है कि जब कोई बैट्समैन जीरो के स्कोर पर आउट हो जाए तो हम इसको बोलते हैं कि बैट्समैन डक हो गया है, बैट्समैन बत्तख नहीं हुआ है, बैट्समैन डक हो गया है जीरो के स्कोर पर आउट हो जाए। फ्रेंड नाइन्थ हमारे पास टर्म आता है डेड रबर, डेड रबर। फ्रेंड डेड रबर क्या होता है? फ्रेंड्स तो होता क्या है कि कोई भी एक मैच की सीरीज होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वनडे मैचेस है, पांच दिन की एक सीरीज है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच दिन की एक सीरीज है, और उस पांच दिन की पांच मैचों की सीरीज में इंडिया ने शुरू के तीन मैच जीत लिए। तो फ्रेंड्स इंडिया ने शुरू के तीन मैच जीत लिए तो इस सीरीज का रिजल्ट तो यहीं पर आ गया कि इंडिया सीरीज को जीत चुकी है, बचे हुए अगर दो मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है तो वो सीरीज को हारी हुई मानी जाएगी, क्योंकि इंडिया पहले से ही तीन सीरीज तीन मैच जीत चुकी है। तो फ्रेंड्स इसी तरह का जब कंडीशन पैदा हो जाती है तो हम इसको डेड रबर कंडीशन बोलते हैं, मतलब कि इंडिया पहले ही पांच मैचों की सीरीज थी, इंडिया उसमें से तीन जीत चुकी है, पहले ही इस सीरीज का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया कि इंडिया सीरीज को जीत गई, तो फ्रेंड्स बचे हुए दो मैचों का खेले या ना खेले उसका रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इंडिया सीरीज जीत चुकी है। तो इसीलिए हम लोग इसको डेड रबर बोलते हैं, इन बचे हुए दो मैचों को डेड रबर में काउंट किया जाता है कि अगर इंडिया मैच हार भी गई तो इनका तो इसका सीरीज के रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रेंड दसवां हमारे पास टर्म आता है स्निक। फ्रेंड स्निक का मतलब क्या होता है? स्निक होता है कि जब बॉल बैट को बहुत ही हल्के से टच करे, बहुत ही हल्के से, तब हम उस बॉल को स्निक बोलते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि LBW जब किसी का आउट दिया जाता है तो उस टाइम एक कुछ विकेट वो बैट टच के लिए चेक किया जाता है कि अगर बैट टच हो रहा है या नहीं, तो उस टाइम आपको टीवी स्क्रीन पर एक कुछ इस तरीके का एक बिल्कुल बहुत ही स्निकोमीटर, उसको बोलते हैं हम लोग के सभी उसको स्निकोमीटर ही बोलते हैं, एक कुछ आपकी टीवी स्क्रीन पर एक कॉलम सा बनता है जिसमें कि दिखाया जाता है कि बॉल बैट को टच हो रही है या नहीं, बिल्कुल ही सिंपल सी ऐसे दहाई उसी में, कि अगर बैट बॉल इतनी सी भी टच हो रही है तो वो उसमें बहुत सारी धारियां बन जाती हैं,
इसको हम लोग स्निकोमीटर बोलते हैं और इसी को हम लोग स्निक बोलते हैं। जो बॉल का बहुत ही हल्के से टच होना होता है उसको हम लोग स्निक बोलते हैं। तो फ्रेंड्स को रफ कर देते हैं पहले। तो फ्रेंड्स 11th टर्न हमारे पास आता है मिड ऑफ। तो फ्रेंड्स इन टर्म्स का मतलब समझने के लिए, जैसे कि मिड ऑफ, मिड ऑन, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, ये इन सब का मतलब समझने के लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये सारे टर्म्स फील्ड से रिलेटेड है। मतलब कि फील्ड किस तरीके से सजाई गई है, क्रिकेट पर ग्राउंड पर जो फील्ड सजाई जाती है वो किस तरीके से सजाई गई है। तो उसके लिए पहले हम फील्ड बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा, ये हमारे पिच है, ये हमारा 30 यार्ड का सर्किल है और ये हमारी बाउंड्री है। ये 30 यार्ड का सर्किल, ये हमारी बाउंड्री। तो फ्रेंड्स ये पिच से मान के चलिए कि इधर बैट्समैन स्ट्राइकर है, इधर नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन है। तो फ्रेंड्स इतना तो हमको पता होता है कि बैट्समैन के, स्ट्राइकर बैट्समैन के लेफ्ट साइड पर हमारी ऑफ साइड होती है और राइट साइड पर लेग साइड होती है। तो फ्रेंड्स मिड ऑफ होता है इस तरफ, जो प्लेयर इधर खड़ा होता है उसको हम लोग मिड ऑफ का प्लेयर बोलते हैं, यानी कि वो प्लेयर मिड ऑफ पे खड़ा है, ये होता है हमारा मिड ऑफ। और फ्रेंड्स जो प्लेयर इधर खड़ा होता है इससे दूर और इसकी सीधे लाइन में, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग ऑफ का प्लेयर, कि वो प्लेयर लॉन्ग ऑफ पे खड़ा है। और फ्रेंड्स जो प्लेयर इधर खड़ा होता है लेफ्ट साइड पे, उसको हम लोग बोलते हैं मिड ऑन, मिड बीच में ऑन साइड का, ऑन साइड का प्लेयर मिड ऑन पे खड़ा है। और जो फ्रेंड्स इधर खड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग ऑन का प्लेयर, कि वो प्लेयर लॉन्ग ऑन पे खड़ा है। और फ्रेंड्स इधर हमारा विकेट कीपर होता है, तुमको पता होता है कि पीछे जो होता है स्टंप्स के। और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि कवर, कवर्स का नाम आपने सुना होगी, तो जो जो प्लेयर इधर खड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कवर। इधर जो उसके पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं कवर पॉइंट, ये कवर पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं कवर। और फ्रेंड्स जो प्लेयर इसके पीछे खड़ा होता है इधर, उसको हम लोग बोलते हैं डीप कवर। फ्रेंड्स जो प्लेयर स्टंप्स के इधर बाउंड्री पे इधर खड़ा होता है हम लोग बोलते हैं थर्ड मैन। और फ्रेंड जो प्लेयर इधर होता है उसको हम लोग बोलते हैं मिड विकेट। और फ्रेंड जो प्लेयर इधर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डीप मिड विकेट, डीप मिड विकेट, समझ जाएंगे आप लोग, डीप मिड विकेट आगे जो प्लेयर इधर होता है। और फ्रेंड जो प्लेयर इधर होता है उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट लेग, शॉर्ट लेग। और फ्रेंड जो प्लेयर इधर होता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग लेग, जो प्लेयर इधर होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर लेग, सॉरी लॉन्ग लेग इधर नहीं, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं इसको, लॉन्ग लेग का प्लेयर इधर होता है, ये हमारी स्क्वायर लेग हो गई। और फ्रेंड जो प्लेयर इधर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डीप स्क्वायर लेग, जो प्लेयर इसके इधर खड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। तो फ्रेंड्स ये इस तरीके से कुछ फील्ड की सजावट होती है, और बाकी इसमें बहुत सारे और टर्म्स है, उसको मैं लिखूंगा तो ये घिचपिच हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। आप चाहें तो जैसे कि और टर्म्स भी है, डीप विकेट स्क्वायर लेग। तो फ्रेंड्स ये कुछ इस तरीके की फील्ड की सजावट होती है, मिड ऑफ इधर होता है, मिड ऑन इधर होता है, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन। जो स्ट्राइकर बैट्समैन के लेफ्ट हैंड, लेफ्ट साइड का पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑफ साइड, जो स्ट्राइकर बैट्समैन के राइट साइड का पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेग साइड, इसको हम लोग कवर बोलते हैं, इसको हम लोग कवर पॉइंट बोलते हैं, जो प्लेयर इधर खड़ा होता है कवर पॉइंट। ये विकेट कीपर होता है हमारा, इधर हमारी फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, थर्ड स्लिप, फोर्थ स्लिप, हम लोग 4 स्लिप लगा सकते हैं। इधर ही हम लोग गली भी लगा देते हैं, गली का प्लेयर, कि वो प्लेयर गली में लगा है, नॉट गली में, गली मतलब एक फील्ड में ही एक पॉइंट होता है, इसको हम लोग गली का पॉइंट, गली का फील्डर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा कवर हो गया, कवर पॉइंट होते हैं, डीप कवर हो गया। इधर हम कोई और प्लेयर लगाते हैं तो हम उसको एक्स्ट्रा कवर का प्लेयर बोलते हैं, ये हमारा लॉन्ग ऑफ हो जाता है, ये हमारा लॉन्ग ऑन का प्लेयर हो जाता है। ये डीप मिड विकेट, ये डीप स्क्वायर लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, ये लॉन्ग लेग, थर्ड मैन, ये डीप कवर।
सो फ्रेंड्स आई होप आपको इन सबका मतलब तो समझ में आया होगा और फील्ड की सजावट किस तरीके से होती है इनका भी मतलब समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो मिलेंगे फिर हम सबसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।